Yes, so this is the fifth lecture of general organic chemistry. So we know in this particular lecture हमने last में nucleophile और electrophile का जो topic है वो complete किया था. So मुझे थोड़ा revision मैं आपको करवा देता हूँ कि nucleophile और electrophile के पहले भी जो चीज़ें हमने की थी that was about homolytic and heterolytic fission. So hydrocarbons के अंदर जो bond तोड़ने के तरीके हैं वो दो अलग अलग तरीके हैं. एक बार में ऐसा इस तरह से बॉन्ड टूटता है कि बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब ऐसा होता है तो दो फ्री रेडिकल बनते हैं. बिकॉज जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड जब इक्वली टूटता है, इक्वली इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो हमेशा एक स्पीसीज बनती है जो कि फ्री रेडिकल होती है, जो हाईली रिएक्टिव होती है. और होमो का मतलब एक जैसी स्पीसीज बनना, तो फ्री रेडिकल बनते हैं, दोनों के दोनों फ्री रेडिकल बनते हैं, इसीलिए जो है उसे होमोलिटिक कहा जाता है. जैसे ये एक डबल बॉन्ड, ये जो है बॉन्ड है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले जाएगा. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, दो जो है फ्री रेडिकल बन रहे हैं जो कि हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं, तो इस तरह के जो है बॉन्ड के टूटने को होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहा जाता है या होमोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है. ठीक है, और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ना कि डबल इलेक्ट्रॉन का या दोनों इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इंस्टेड ऑफ बॉन्डिंग पेयर. तो जनरली कभी कभी क्या होता है कि बॉन्ड टूटने पर पूरा का पूरा बॉन्डिंग पेयर एक स्पीसीज लेकर जाती है, पर इस केस में ऐसा नहीं होता है. जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय द हाफ हेडेड हुक, ट्रांसफर ऑफ पेयर एंड ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो जैसे पूरी की पूरी अगर जोड़ी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाली साइन दिखाते हैं, और अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ये वाली साइन दिखाते हैं. सो जैसा कि हमने डिस्कस देखा कि द रिजल्ट दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज दैट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल. अभी मैंने बताया था कि जिस तरह से जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन ले जाता है. तो इस तरह का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो फ्री रेडिकल स्पीसीज बनती है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं. और आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल जो है वो कार्बोकैटायन और कार्बेनायन की तरह ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, राइट? वेरी मच लाइक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन, दे आर हाईली रिएक्टिव. ठीक है, और फ्री रेडिकल जो है उनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन, यानी टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे अनस्टेबल होंगे सुपर प्राइमरी. ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस दैट प्रोसीड बाय होमोलिटिक फिशन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल, होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन. बिकॉज होमोलिटिक फिशन के दौरान कोई भी आयनिक स्पीसीज नहीं बनती, इसी वजह से इस तरह के रिएक्शन को होमोपोलर, नॉन पोलर और फ्री रेडिकल रिएक्शन भी कहा जाता है. और इसके पहले जो है हमने हेटरोलिटिक फिशन देखा था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज वो रिलेटेड है आपका. हेटरोलिटिक फिजन जो है वो कार्बेनायन और कार्बोकैटायन से रिलेटेड है, और उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, राइट? तो जब दो एटम के बीच का बॉन्ड इस तरह से टूटे कि एक एटम दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाए और एक एटम को कुछ भी ना मिले, तो वो एटम जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसको कुछ नहीं मिलता उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले जैसे होमोलिटिक फिशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उस केस में फ्री रेडिकल बनता है, पर यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज पीसेस बनती है, एक नेगेटिवली चार्ज पीसेस बनती है. तो जो पॉजिटिवली चार्ज पीसेस होगी आप वो जानते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो ऐसी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी, और ये नेगेटिवली चार्ज पीसेज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी तो ऐसी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और ये जो बेसिक जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो लैंग्वेज है, ये एक तरह से आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे. तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में जैसे मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं रिएक्टिव साइड्स अट्रैक्टेड अटैक्ड बाय द रिएजेंट्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग. तो हर मॉलिक्यूल के अंदर एक रिएक्टिव साइट होती है. अब उस रिएक्टिव साइट के चार्ज पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी स्पीसीज अट्रैक्ट करेगी. अगर वो रिएक्टिव साइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो फिर इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल्स को अट्रैक्ट करेगी. अगर वो साइट नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल्स को अट्रैक्ट करेगी. ठीक है,
सॉरी अगर वो वो साइड पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दैट विल अट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल बिकॉज उसका चार्ज पॉजिटिव है और न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज के तलाश में होते हैं, और वो साइड अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करेगी. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन, तो पॉजिटिव रिएक्टिव साइड क्या होती है, तो वो एरिया मॉलिक्यूल का, वो पर्टिकुलर एटम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे पॉजिटिव रिएक्टिव साइड कहा जाता है. तो एटम विद इनकम्प्लीट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो वैसा एटम जो है उसका शेल इनकम्प्लीट हो तभी उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो फिर वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो ताकि उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो. तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, दोनों ही केसेस में वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स जो होते हैं वो ऐसी साइट को जो है अटैक करते हैं. उसी तरह से इफ द अटैकिंग स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट, तो अगर आपकी जो अटैकिंग स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसमें उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो द रिएक्टिव साइट फॉर इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मॉलिक्यूल विच कैन सप्लाई द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो जैसे मैंने बताया कि मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह की साइट हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकती हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेंगी, या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली इलेक्ट्रॉन पुअर हो सकती है जो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग साइट्स होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है. जैसे हेलो अल्केन्स होते हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं बिकॉज उसके अंदर जो कार्बन हेलोजन से अटैच होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है, और पार्शियली पॉजिटिव होने की वजह से वो ऐसी स्पीसीज को अट्रैक्ट करता है जिनके पास जो पॉजिटिव चार्ज की तलाश में हो. तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जो इनको अटैक करते हैं. और ऑन दी अदर हैंड आप बेंजीन को देखो, तो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो पर्टिकुलर साइट पर वो इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तलाश में होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये सारी चीज़ें वो आपके लिए समझना जरूरी है. अ रिएजेंट दैट ब्रिंग्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट, तो ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन का पैर रिएक्टिव साइट की तरफ लेकर आएगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो ऐसी स्पीसीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो किसको जो है वो अटैक करेगी, तो इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन को. तो ऐसी जो स्पीसीज होती है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं बिकॉज वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर पार्शली पॉजिटिव साइट्स विच आर इलेक्ट्रॉन पुअर. न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज की तलाश में होता है. मैंने कल ही आपको बताया था कि फाइल जब किसी चीज़ के आगे लगता है तो मतलब वो चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है. जैसे एस्ट्रोफाइल जो लोग होते हैं वो लोग एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुझान रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो बिब्लियोफाइल जो होते हैं वो लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. तो फाइल जब किसी चीज़ के आगे लगता है PHELI, तो उसका मतलब आप उस चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड हैं. तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली रीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द रिएक्टिव साइड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का पैर जो है वो लेकर जाते हैं, ठीक है, अपने साथ, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन पैर खुद लेकर आते हैं. तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पैर रिएजेंट की तरफ या एक्टिव साइड की तरफ लेकर आते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पैर लेकर जाते हैं. इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज स्पीकिंग, मैंने यही भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के तलाश में होते हैं, और सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक. इस तरह के रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक कहा जाता है. ड्यूरिंग पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. तो ये भी याद रखिए, ये पूरा उल्टा है. न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, और इलेक्ट्रोफाइल किसको अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को. तो ये चीज़ एक तरह से अपने आप में पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ग्रुप ऑफ रिएजेंट्स किसको अटैक करेंगे. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजन को, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजन को. अपने से अपोजिट जो रीजन होता है उस पर आपको जो है अटैक देखने को मिलेगा. सो इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर द इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन ऑफ द सबस्ट्रेट. तो न्यूक्लियोफिलिक जो रीजन्स होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर द इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन ऑफ द सबस्ट्रेट. तो न्यूक्लियोफिलिक रीजन आप जानते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे. तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेंगे, तो ऐसे रीजन्स जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको अच्छे से जो है समझने की कोशिश कीजिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे. तो ये चीज़ एक तरह से समझना बहुत जरूरी है. इलेक्ट्रोफिलिक देयरफॉर रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन. अ कर्व्ड एरो नोटेशन इज यूज्ड टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफाइल. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है राइट, तो वहाँ पे हम हाफ एरो यूज़ करते हैं, और अगर सिंगल हेडेड, और अगर पूरी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो हम डबल हेडेड जो है लोन पेयर यूज़ करते हैं, एरो यूज़ करते हैं. तो न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं टेक्स्ट बुक में जो दिए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल हम जानते हैं कि ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, या फिर वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं. ऐसी दो तरह की स्पीसीज जो हैं वही न्यूक्लियोफाइल का जो है काम कर सकती हैं. तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, साइनाइड आयन है, कार्बन आयन है, ये सबके पास ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी, इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगी. तो दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. और ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर होगा वो भी अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहेंगे, तो और ऐसे जो हैं मॉलिक्यूल्स वो भी आपके न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे. तो वाटर हो गया, टर्शियरी अमाइन हो गया, बिकॉज अमाइंस में क्या होता है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगी. तो जैसे यहाँ पे CH3+ चार्ज है कार्बोकैटायन, तो ये तो सीधा सीधा अट्रैक्ट होगा. और न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, बिकॉज ये लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते हैं. और ऐसे भी जहाँ पे भी पाई बॉन्ड होता है वो जो है अपने आप में एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करता है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं. और ये मैंने बताया था कि अल्काइल हैलाइड के अंदर जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है, तो उसमें आप जानते हैं कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो पार्शियली पॉजिटिव होने की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करता है और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स आके अटैक करते हैं. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप 12th में पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर से आती हैं. द कार्बन एटम इन द कार्बोकैटायन हैज सेक्सटेट कॉन्फिगरेशन. तो सेक्सटेट का मतलब होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है जब आपके पास वैलेंस ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, सेक्सटेट का मतलब होता है जब आपके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो. तो सेक्सटेट का मतलब है कि आपके पास इनकम्प्लीट ये है वैलेंस, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप जो है इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज आप पार्शियली पॉजिटिव हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं. आप सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स को अटैक करेंगे. This is why the carbocations are electron deficient and receive the lone pair from the nucleophile. तो क्योंकि carbocation के पास 6 valence electrons होते हैं, हम उनको electron deficient बोल सकते हैं, और क्योंकि वो electron deficient है इसी वजह से ही वो nucleophile को attract करेंगे, because nucleophile जो है वो naturally ऐसी जगहों के फिराक में होते हैं जहाँ पे electron density कम हो, या फिर ऐसी जगह हैं जो positively charged हो, right? तो कार्बोकैटायन में ये परफेक्ट मौका मिलता है, बिकॉज कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पोलर होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हैलोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होती है, कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, वो पार्शियली पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करते हैं. CX बॉन्ड हैज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ड्यू टू द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन द कार्बन अटैच टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम. ये मैं अभी आपको बता रहा था कि कार्बन जो हैलोजन से अटैच होता है हेलो एल्केन में, वो क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज उसका चार्ज पॉजिटिव है, और न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी जो है पॉजिटिव चार्ज की तलाश में होते हैं. तो जहाँ पर मैंने आपको कहा था, ये ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं उस जगह को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं. दैट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ वेयर द न्यूक्लियोफाइल अटैक. डोंट गेट कन्फ्यूज. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं. तो इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. Examples of the electrophile and nucleophile given in the NCERT. तो NCERT के अंदर जो भी electrophile और nucleophile के example हैं वो समझना जरूरी है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो HS-1, C2O5- CH3N, तो ये सारी की सारी आप देख रहे हैं नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स में आपको पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मिलेंगे, बिकॉज क्लियर कट जो हमने डेफिनेशन देखा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, तो या तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगी या तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगी. और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ यानी इलेक्ट्रॉन डेंस जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर अट्रैक्ट होना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से वो या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे. जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द मॉलिक्यूल. तो इन मॉलिक्यूल में कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेंगे, उन जगहों पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. तो ऑब्वियसली
इसमें कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है तो ये वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, पार्शियली पॉजिटिव बिकॉज ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन बनेगा, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन बनेगा वहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल्स आपके अटैक करेंगे। ठीक है, CH3I में भी ऐसा ही होगा कि आयोडीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले, तो कार्बन यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होगा, और क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, तो जो एस्ट्रिक साइन है वो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है शो कर रही है। फिर ये दिया हुआ है कि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कैसे होगा, तो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज आप जानते हैं, जब भी हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो बॉन्ड के अंदर के जो पैर हैं, इलेक्ट्रॉन पैर हैं, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि एक एटम पूरी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, एक को कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसा ज़्यादातर तभी होता है जब एक एटम दूसरे ऐसे एलिमेंट से अटैच हो जो उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसमें कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इसमें साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइनाइड ग्रुप जो है काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लेकर जाएगा, इसमें सल्फर लेकर जाएगा। तो इट्स प्रीटी सिंपल, बस आपको ये देखना है, ये बस बताना जरूरी होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, जो पैर लेकर जाएगा इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होगा और जो देगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर चीज़ है कि आपको ये देखना है कि कार्बन से जो एलिमेंट अटैच्ड है या जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो उससे क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर सामने वाला ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पैर लेकर जाएगा, अगर सामने वाला एटम या ग्रुप कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन लेकर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कॉपर और मिथाइल ग्रुप में मिथाइल लेकर गया बिकॉज कॉपर मेटल होने की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पर यहाँ पे साइनाइड ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लोन पैर लेकर गया, तो यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन बना। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इफेक्ट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे चल के। यू नो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आगे चल के पूरे राइट पूरे के पूरे जो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वहाँ पे हर जगह यूज़ होते हैं, तो अगर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अगर आपके क्लियर नहीं है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो जो भी अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बेनायन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने आप में समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक तरह से जो लैंग्वेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो कभी भी आप उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएंगे, कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लिंगो, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई द GOC पार्ट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एटम कुड कॉज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये तो आप जानते हैं कि परमानेंट पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। पोलराइजेशन का मतलब कि एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ज़्यादातर किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट होना, तो अगर X और Y के बीच में बॉन्ड है और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर Y की तरफ शिफ्टेड है, राइट, X के तरफ नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे परमानेंट पोलराइजेशन। टेम्प्ररी पोलराइजेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है शिफ्ट होते हैं कुछ वक्त के लिए, जैसे ही आप रिएजेंट हटा लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका पोलराइजेशन जो है ग्रुप्स का वो भी चला जाता है। तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसके अंदर जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का वो परमानेंट होता है, और जो इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट हम स्टडी करेंगे वो टेम्प्ररी होता है, जिसके अंदर जब तक रिएजेंट मौजूद है तब तक जो है पोलराइजेशन होता है, जैसे ही रिएजेंट आप हटा लेते हैं पोलराइजेशन भी चला जाता है, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमरिक आता है। तो ये याद रखिएगा, इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट पोलराइजेशन दिखाते हैं और इलेक्ट्रोमरिक जो है वो टेम्प्ररी पोलराइजेशन दिखाता है, तो इंडक्टिव रेजोनेंस परमानेंट, इलेक्ट्रोमरिक टेम्प्ररी। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है बड़ा ही ईजी है, यू नो बहुत ही सिंपल, अगर आपने टग ऑफ वॉर खेला हो गेम जिसके अंदर है नो रस्सी को दोनों तरफ से दो अलग अलग ग्रुप खींचते हैं और जो है फिर जो ग्रुप ज़्यादा खींचता है उस तरफ लोग गिरते हैं और जीत जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जब रस्सी खींची जाती है सामने वाला ग्रुप जो है खींचता है, तो जो इंसान पहले रस्सी पकड़ कर जो है खड़ा है उसको सबसे ज़्यादा प्रेशर फील होता है उसके हाथों में, बिकॉज वो एकदम नज़दीक है उस ग्रुप के जो एक्चुअली रस्सी को उस तरफ खींच रहा है जो ज़्यादा ताकतवर है। उसके पीछे वाला जो बंदा है वो भी फोर्स महसूस करेगा पर थोड़ा कम, उसके पीछे वाला और थोड़ा कम महसूस करेगा, उसके पीछे वाला और थोड़ा कम महसूस करेगा, यानी जैसे जैसे आप जो है जो मेन जहाँ से फोर्स पैदा हो रहा है खींचने का उससे दूर जाएंगे तो आप जो महसूस करते हैं फोर्स वो भी वीक होगा। तो बहुत सिंपल है कि जैसे यहाँ पे दो कार्बन है वो अगर क्लोरीन ग्रुप से अटैच है तो आप क्लोरीन को जानते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा फोर्स महसूस करेगा ये वाला कार्बन और थोड़ा सा कम करेगा ये वाला कार्बन, और अगर ये चेन और बड़ी होती तो ये जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कार्बन के साथ साथ वीक होते जाता। तो सबसे स्ट्रांग जो है पहला कार्बन फील करता है, फिर दूसरा वाला कार्बन फील करता है, फिर तीसरा वाला कार्बन फील करता है, और तीसरे कार्बन के बाद ये इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। पर जो भी पोलराइजेशन पैदा होता है कि ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, ये भी पार्शियली पॉजिटिव है, ये परमानेंट होता है, ये जाता नहीं है। एक बार आपने कोई पोलर ग्रुप अटैच कर दिया तो पूरी की पूरी जो कार्बन चेन है वो परमानेंटली पोलराइज हो जाती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये भी याद रखिएगा कि तीसरे कार्बन के बाद जो है ये जो असर है पोलराइजेशन का वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।